आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो है पैराबोला से रिलेटेड, और पैराबोला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ द फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवन। पैराबोला के क्वेश्चंस या किसी भी कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये या सर्किल, ये जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं वो बहुत बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। स्पेशली आप द पैराबोला एनसीईआरटी का जो पैराबोला का एक्सरसाइज है उसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दैट यू कैन डू योरसेल्फ, और उसका हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। बट पैराबोला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, दे आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और जो डिफिकल्ट पार्ट है वो भी एक्स्ट्रा में है, एनसीईआरटी में नहीं है। और उसी डिफिकल्ट पार्ट में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वन पार्ट इज दिस वन दैट फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ द फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवेन। सो फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवेन, और ये हमने वो पैराबोला लिया है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है। एनसीईआरटी बुक में केवल वो पैराबोला के क्वेश्चंस हैं जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, केवल उन्हीं पैराबोला के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में गिवेन हैं। जो पैराबोला एक्स एक्सिस पे है दोनों साइड में या वाई एक्सिस के है दोनों साइड में, केवल उसी पैराबोला के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। ऐसे पैराबोला जो एक्सिस पे एक्स या वाई पे नहीं है, कहीं और हैं। दीज टाइप्स ऑफ द पैराबोलास आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। So I have taken in this video. So finding equation of the parabola if the focus and vertex are given. एक question लिया है और उस question को हम solve करेंगे। ये है find equation of the parabola whose focus is 1-1 and vertex is 2-1. Given focus is 1-1 and vertex is 2-1. और because vertex 2-1 है और इसका focus 1-1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसका मतलब दिस पैराबोला इज नॉट ऑन द पर्टिकुलर एक्स एंड वाई एक्सिस। और ये एक हमने रफ फिगर बना रखा है, पहले रफ फिगर समझिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। दिस डॉट लाइन आई हैव टेकन दिस वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। डॉट लाइन से इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्स और वाई एक्सिस का कोई काम नहीं है, देयरफॉर डॉटेड लाइन। द वर्टेक्स इज गिवेन 2-1, so 2-1 vertex V, V is here 2-1, and the focus is given 1-1, and this focus is 1-1, this S is the focus, and this is vertex, and this is rough figure, rough diagram of the given parabola, and ये हमने दिया है directrix। डायरेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी है वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होता है वर्टेक्स से उतने ही डिस्टेंस पे फोकस होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंसेज आर सेम। सो दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस, और ये एक्स और वाई एक्सिस जिसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। ये एक पॉइंट पी है, दैट पॉइंट इज एक्स एंड वाई, दैट इज लाइंग ऑन द पैराबोला। पैराबोला की एक प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला अगर आपने नहीं रिवाइज किया है तो हमारे वीडियो में जाकर रिवाइज कर लीजिए। उसका डेफिनेशन है कि इफ द पैरा पी इज लाइंग ऑन द पैराबोला देन डिस्टेंस पी एस एंड डिस्टेंस पी एम विल बी ऑलवेज इक्वल। पी एस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट पी एंड दिस फोकस, एंड पी एम इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। सो पी एस इज इक्वल टू पी एम ऑलवेज। So this was the rough sketch of this parabola. Now see the solution of this question. Let us suppose a point P xy on the parabola. Let us suppose a point P xy on the parabola. अब हमको apply करना है PS is equal to PM. तो PS find करना बहुत simple है. That is distance between these two points. हम distance formula use करेंगे. And we can find out the distance between P and S. बट पी एम इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और अगर हमको इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है देन फर्स्ट वी आर इन द नीड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करिए और ये प्रोसीजर देखिए हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उसके लिए एक पॉइंट चाहिए और उसका एक स्लोप चाहिए। तो पहले हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं। दिस इज स्लोप ऑफ द एक्सिस, ये इस ये लाइन है
द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड द फोकस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पहले इस एक्सिस का स्लोप फाइंड करिए और एक्सिस पे दो पॉइंट है, एक 2-1 और 1-1। आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर को रिमाइंड करिए और वहां पे एक फार्मूला है टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन, दैट इज y2 - y1 upon x2 - x1 - 1 - 1 - 1 upon x2 - x1 - 1 - 2 - 1 - 2। सो दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन एक्सिस। नाउ एक्सिस का स्लोप आया है 2 एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, देन स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स 2 है, तो बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर तो उसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और साइन चेंज दिस इज -1/2। -1/2 इज द स्लोप ऑफ दैट डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स का आपको स्लोप मिल गया, अब हमको एक पॉइंट चाहिए। सी हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ये हमने पॉइंट किया है, सपोज एच के वी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस। दैट ट्रिक वी हैव टू यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एच के। सो स्लोप ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स इज -1/2। नाउ सी लेट एच के, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज बी एच के। लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज एच के एंड बी इज द मिड पॉइंट। वर्टेक्स इज मिड पॉइंट बिकॉज दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल, सो वर्टेक्स इज मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो h + 1/2 इज इक्वल टू 2, x1 + x2/2 इज इक्वल टू दिस वन 2। सो फ्रॉम हियर यू हैव h इज इक्वल टू 4-1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड y1 + y2 दिस 1 एंड y1 + y2 k - 1 upon 2 इज इक्वल टू द सेकेंड वन दिस इज 1। सो k इज इक्वल टू ऑल्सो 3। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3-3। सो एक्सिस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज 3-3। अब डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट मिल गया आपको 3-3 और उसका स्लोप है -1/2, देन यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। नाउ यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बिकॉज स्लोप इज -1/2। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज फॉर्मूला इज y - y1 इज इक्वल टू m, x - x1 दैट फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। सो y - y1 दिस इज y - y1 3 इज इक्वल टू m इज -1/2 और x - 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। So that can be written as 2y - 6 is equal to, this is 2y - 6 equal to -x and -, this is +3. So that can be written as x + 2y - 9 is equal to 0. This is equation of the directrix. Now apply the formula PS is equal to PM. So for by definition of the parabola, for parabola PS is equal to PM. This PS is equal to PM. PS is a distance formula, that is under root x - 1² + y
वाई प्लस वन टू द होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू पीएम. पीएम मीन्स दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. एक फार्मूला था, पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन चैप्टर, वहां से फार्मूला लिया है. सो दिस इज अंडर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स वन. ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज वन, एंड एक्स वन मीन्स दिस वन एक्स. सो वन इंटू एक्स, ये यही इक्वेशन अभी आएगा, एक्स प्लस बी वाई वन, बी इज टू एंड वाई वन इज वाई, सो प्लस टू वाई एंड माइनस नाइन अपॉन, ये हमेशा यही लाइन आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन एंड प्लस टू का स्क्वायर दैट इज फोर. सो दिस इज, दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस नाइन अपॉन अंडर रूट फाइव. अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. अब केवल कैलकुलेशन बचा है, कॉन्सेप्ट इज ओवर. सो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स दैट विल बी एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर, ये अंडर रूट साइन हट जाएगा, प्लस वाई प्लस वन टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस नाइन टू द होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एट्टी वन माइनस और प्लस टू ए बी प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू बी सी माइनस थर्टी सिक्स वाई. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी फोर एक्स वाई प्लस टू बी सी नाइन टू जा एटीन थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स वाई प्लस टू सी ए माइनस एटीन एक्स अपॉन फाइव. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड प्लस टू वाई दिस वन एंड वन प्लस टू एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू फाइव इज इक्वल टू दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस थर्टी सिक्स वाई माइनस एट्टीन एक्स एंड प्लस एट्टी वन दिस वन. अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर. योर फाइनल आंसर विल बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस फोर्टी सिक्स वाई माइनस सेवेंटी वन इज इक्वल टू जीरो. योर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर फाइनल आंसर विल बी दिस वन दैट विल बी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला. सो दिस ये है इक्वेशन ऑफ द
required parabola. So this was the question based upon finding equation of the parabola if the focus and vertex are given. अब इसी question में एक question पहले ही understood है, finding equation of the parabola if focus and directrix is given. Focus and directrix are given. So directrix का equation आपको पहले ही से मालूम है, अगर पहले से गिवन है देन अब डायरेक्ट अप्लाई द फॉर्मूला पी एस इज इक्वल टू पी एम. तो जो स्टेप्स इक्वेशन के ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करने के लिए था वो काम आपको नहीं करना है. सो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गया. वन क्वेश्चन इज फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ द फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवेन एंड द सेकेंड वन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर given. So this was the very important question of this chapter parabola. I hope all the concept, all the calculation, everything whatever I have told today that is clear to you. So wait for the next video. Thank you.